ये नहीं है कि मैं इनका वोट देवे करूंगा, ये भी नहीं है। मतलब वोटर से कोई मतलब नहीं है, वोट देना है या ना देना उससे मतलब नहीं, लेकिन आप प्रधानमंत्री के लिए आए हैं। प्रधानमंत्री लेके आए हैं चिराग पास, जो कोई काम नहीं करेंगे, खाली आ जाएंगे लोग माला पहना देंगे, मंच पर चले जाएंगे तो लोग उसी को देखेंगे ये आज वहाँ काम कर रहा है, जो जमीन पर काम कर रहा है उसको किसी ने पूछ रहे हैं। जमीन वाले मिट्टी के मिट्टी से जुड़े हो उनसे, जो जमीन पर काम कर रहे हैं आप, चिराग जी अगर जीतेंगे भी तो मोदी जी के नाम पे। देखिए इनका का नाम है कि अगर चिराग पासवान जी अगर यहाँ से अगर जीत रहे हैं तो मोदी जी के ही नाम पे, बीजेपी के नाम पे। वो अपना बल से इस बार नहीं निकल पाएंगे। कितने बजे मोदी जी आ रहे हैं? बोला तो जा रहा है कि 9 बजे आएंगे, अब देखा जाए कई बजे आते हैं। 9 बजे आएंगे जी। जी तो क्या मतलब कि इस बार 400 पार हो सकता है क्या? ये तो वोटिंग होने के बाद, मतदान होने के बाद ही पता चलेगा। नेता नमस्कार, प्रणाम, सोनू लाइव टीवी में आपका स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं कि कल ही नरेंद्र मोदी जी यहाँ आने वाले हैं और लोगों का कहना है कि कल 9 बजे ही आएंगे। उसी के अपरांत देख रहे हैं कि कितना जोर शोर से एक तैयारी पूरा चल रहा है, पूरा पंडाल बन चुका है इधर जिसमें बना हुआ है, उधर हम लोग अभी खड़े हैं और उस साइड में पूरा जोर शोर से काम चल रहा है। सभी वर्कर लोग काम कर रहे हैं और मोदी जी के आने का सब लोग का इंतजार है। देखिए एक चाचा जी आ गए हैं। हेलो चाचा जी, कैसे हैं? ठीक है। कल कितने बजे मोदी जी आ रहे हैं? 9 बजे। 9 बजे आ जाएंगे ना जी? देखिए इनका का नाम है कि कल मोदी जी 9 बजे आ जाएंगे। कहाँ चाचा जी, कितने बजे आएंगे मोदी जी? 9:30 बजे के तो टाइम मिला है। देखिए इनका का नाम है कि 9:30 बजे के लिए टाइम मिला है, क्या मतलब कि यहाँ की व्यवस्था कैसा है? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, व्यवस्था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस बार 400 पार हो जाएगा, आराम से पार होना है। देखिए इनका कहना है कि 400 पार एकदम आराम से हो जाएगा। हाँ आराम, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, अच्छा से होगा, अच्छा से होगा, पक्का निकलेगा इस बार। मतलब कि चिराग पासवान जी यहाँ से निकल जाएंगे? हाजीपुर से निकलेंगे। बहुत सपोर्ट है, फुल सपोर्ट, फुल सपोर्ट है, बहुत फुल सपोर्ट है, अच्छा से निकलेंगे। देखिए इनका कहना है कि चिराग पासवान जी का फुल सपोर्ट है। और यह क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमोद कुमार चंचल हुआ और इसे तो मैं दूसरे पार्टी से बिलोंग करता हूँ अभी तो। मतलब कि दूसरे पार्टी से बिलोंग करते हैं? किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? हम जनवादी पार्टी के वैशाली जिला अध्यक्ष हैं। ओ, वैशाली जिला अध्यक्ष हैं। देखिए कल मतलब कि नरेंद्र मोदी जी कितने बजे आएंगे? ऐसे तो प्रोग्राम 9 बजे का है, देखिए अब कब बजे आते हैं। मतलब कि प्रोग्राम 9 बजे का है कल, मतलब कि सुबह 9 बजे का प्रोग्राम है? 9 बजे का टाइम है और इसके बाद मुजफ्फरपुर में टाइम है, पताही में 11 बजे टाइम है, 10 बजे मोतीपुर का है, यहाँ 9 बजे टाइम है। और देखा जा रहा है कि यहाँ व्यवस्था मतलब कि से बहुत जोर शोर से यहाँ पूरा चल रहा है, क्या व्यवस्था में कोई कमी उमी आपको दिख रहा है? नहीं, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, और थोड़ा कमी तो है कि यहाँ प्रदूषण उड़ रहा है, जनता लोग धूल खिलाएगा, पानी का नहीं छिटा हो रहा है, पानी का छिड़काव होना चाहिए, प्रशासन लोग के भी खाना वाना आज नहीं मिला है, ये तो शिकायत मिल रहा है। देखिए इनका नहीं नहीं मिला है, नहीं मिला शिकायत दोपहर मिला है, बन रहा है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन आज प्रशासन लोग घूम कर कह रहे थे दोपहर का खाना नहीं मिला हमको। शिकायत देखिए कर रहे हैं कि प्रशासन लोग तो भोजन व्यवस्था मिलना चाहिए, समय से मिलना चाहिए। पहली बार है कि हमारे एकारा कुतुर गांव में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, पहली बार ही, इससे पहले तो कभी नहीं आए, कभी नहीं आए हैं, तो हम लोग खुशी है और खुशी तो होना ही चाहिए, यहाँ पूरा अपने समाज को अधिक होना चाहिए जनता को। और हम जैसे जनवादी पार्टी के वैशाली अध्यक्ष है तो मेरा कोई कैंडिडेट यहाँ खड़ा नहीं है जी, तो मैं अपने मन से मैं समर्थन दे रहा हूँ उनको। अपने मन से आप समर्थन दे रहे हैं? समर्थन मांगे भी नहीं है फिर भी हम लोग समर्थन दे रहे हैं। समर्थन मांगे नहीं है फिर भी आप कर रहे हैं? देखिए अब क्या है कि यहाँ मेरा लोकल घर हुआ है, मेरे गांव तो आया हुआ है जी, प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं मजबूरी है, ऐसे तो खुशी की बात है कि मेरे गांव में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, कभी कोई प्रधानमंत्री आया नहीं। देखिए पहली बार आपके गांव में आ रहे हैं तो स्वागत अच्छा से कीजिएगा ना? बहुत अच्छा स्वागत करेंगे, ऐसा स्वागत अच्छा से है। दिल में कसक है कि जैसे हम जिस पार्टी के थे, हमारे सांसद प्रतिनिधि है, चाहे जिला अध्यक्ष है, मुकेश पासवान है, अवधेश सिंह है, ये लोग पूछे नहीं, ये लोग सब जानते हैं कि पार्टी का जिला अध्यक्ष है, सामने घर है मेरा, और मेरा कैंडिडेट यहाँ खड़ा नहीं है, तो मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम था कि जहाँ अपना पार्टी नहीं खड़ा होती है तो आप किसी पार्टी को आप समर्थन दे सकते हैं, समर्थन दे सकते, जो आपको अच्छा लगे, अच्छा जो आपको पूछे उसको समर्थन दे सकते हैं। तो हम इंतजार में थे, बच्चा लोग बुला के आए, हम अंदर नहीं आ रहे थे। आप अंदर इन नहीं कर रहे? नहीं कर रहे थे, क्या हम देखिए सामने मेरा घर है, देख रहे हैं सामने घर है, लेकिन अंदर कभी नहीं कर रहे हैं, एक सप्ताह से काम चल रही है, हम नहीं आ रहे थे, लेकिन हम इतिहास में थे कि पार्टी के लोग आए गए, कहेंगे कि आप सपोर्ट कीजिए, समर्थन दीजिए, लेकिन अभी खुशी की बात है कि अभी आए हैं कि अवधेश सिंह जी जो अभी बोले हैं, जो हमारे तो गजन सम्मान है, बचपन से सामने खिले कूदे हैं, तो अभी बोले हैं कि सवेरे से आप लोग रहिए, मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं है, तो गार्जियन कर सकते हैं।
तो हाँ। आपके गांव में मतलब जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो ये नहीं है कि आपको मतलब कि इनविटेशन कार्ड जाना चाहिए, आपको बुलाना है, आप आपका बहुत बड़प्पन है, बहुत खुशी की बात है कि आप आए हैं, उनके समर्थन में है, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप आए हैं, बहुत अच्छी बात है। दिल से समर्थन दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं दिल से समर्थन, मीडिया के सामने आप लोग दे रहे हैं, आप लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोग पूछे टोके, ऐसा कोई मिला ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, हम तो खोज खोज के आदमी खोजते हैं, हम बाद में हम सवाल उठाते जी, यहाँ तो बहुत करना हुआ था, घूम के देख लेते, ये जो मंचू जो घेरा हुआ है जी जी, तो देखे ये लोग अपने एरिया में घेर लिए हैं, इसको कैसे बनाना चाहिए, कैसे कचकर्ता नहीं देखता है, कचकर्ता बताता है जी जी, जो जमीन से जुड़ा हुआ है वो सही काम कर सकता है जी, ऐसे बता सकता है, जो हवा हवाई नेता है तो हवा हवाई लेकर कर दिया, पूरा फील्ड इतना बड़ा है ऐसे घुमा दिया, जनता इधर से आएगी इधर से कैसे आएगी, रास्ता पर भी दिक्कत प्रॉब्लम है, हम देख रहे हैं रास्ता का थोड़ा सा है दिक्कत है, बस देखिए सब अच्छी भूल के हम प्रधानमंत्री जी दरवाजे पर आ रहे हैं तो अच्छा बात है कि हम देखिए दरवाजे आपके घर आ रहे हैं तो उनका तो स्वागत आपको करना, स्वागत तो पूरा करना है, कोई कमी नहीं होना चाहिए। इस बार जो मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार कर देना है, 400 पार तो कर रहे हैं ठीक है, लगता नहीं है, लगता नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि हम क्षेत्र घूमते हैं देख रहे हैं, अरे संभव नहीं है का उनके लिए असंभव नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अरे देश के हम प्रधान है हमारे, और तो कुछ का सब पावर है और उनके हाथ में है, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा मतलब जनता के पावर से उनको नहीं जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए कि यहाँ प्रशासनिक विभाग से जो जितने भी लोग हैं क्या वो लोग पूरा मतलब किसी अपना टीम से पूरा ये है लैस है ना, सब लैस है, सभी लोग लैस है, लैस है, कुछ कमी वैसी है कल से लैस हो जाएगा। हाँ तो कल तो आने ही वाले हैं, आने वाले हैं, अभी थोड़ा देर पहले चिराग पासवान जी अभी यहाँ आए हुए थे, बस वही आए हैं तो हम लोग बच्चा लोग ले आए हैं कि चलिए सब घूम लीजिए, तो हम तो नहीं आ रहे थे लेकिन बच्चा चलिए चिराग पासवान आए हैं, हम तो हमारे सामने के हाथी है तो हम क्या करें उसको, तो उनका पिताजी के साथ रहे हुए हैं, आज से नहीं जनता दल के बलिया से हम पार्टी में है, आज देख रहे हैं हाफ पट जी, जब हाफ पट पहनते थे तब से हम राजनीति में है, जनता दल के बलिया से लालू जी नीतीश जी रामलाल जी साथ में थे तब से हम है, तब जनता धाती का लोजपा के मैं सचिव रहा करता था, आज वो नहीं है तो थोड़ा इनका थोड़ा हवा हवाई नेता है हमारे चिराग पासवान, चिराग पासवान जी हवा हवाई नेता है, हवा हवाई नेता है, जो हवा में बात करते हैं उसी को पूछते हैं, जो जमीन से जुड़ा हुआ है उसको नहीं पूछते, जो मतलब देखिए इनका का नाम है जो हवा में बात करते हैं उन्हीं को वो पूछते हैं, जो जमीन से मिट्टी से जो जुड़े हुए हैं उनसे वो मतलब नहीं रखते, मतलब उनसे मतलब रखते तो इतना डर रहता नहीं, जो डर बना हुआ है कि उनके अंदर भी डर है, डर है तो एक कार्यक्रम गांव हो रहा है, पहली बार गांव हो रहा है, आज तक किसी प्रधानमंत्री का गांव प्रोग्राम नहीं हुआ है, नहीं नहीं हुआ, कहीं पता लगा लीजिए नहीं है, कहूँ कहूँ फील्ड में हुआ है, बड़े ग्राउंड में हुआ है, ऐसे गांव बस्ती में नहीं, घना बस्ती में नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है, मतलब किसे हाजीपुर में भी तो देखा जाए तो इतना बड़ा ग्राउंड कहीं है ही नहीं, तो फिर भी मजबूरी के कारण मतलब उसका 19 में तो हुआ था नेस्ट एरिया में पूरे गेहूँ कटवाया गया था, हाँ चलिए बहुत धन्यवाद है, यहाँ तो बधाई दे रहे हैं, खुशी की बात है, खुशी की बात है कि आपके गांव में आपके दरवाजे पे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री चल के आ रहे हैं, बाजार में इतना जगह मिलेगा क्या, बहुत खुशी की बात है ना, खुशी की बात है, गर्व की बात है, हमारे समाज का पूरे गांव का पूरे जिले का हमारा गर्व की बात है, गर्व की बात गाँव के आ रहे हैं, इसलिए सब भूल को हम लोग पूरे तन मन धन से हम समर्थन दे रहे हैं, मतलब सब चीज देखिए इनका का नाम है कि सब कुछ भूल के तन मन और धन से पूरा एकदम समर्पित हो गए हैं, नेता ऐसे तो हम लोग कंफ्यूज में थे, अभी हम लोग कंफ्यूज में थे कि क्या करना है, जाना है कि नहीं जाना, जाना है, लेकिन अब क्लियर हो गया ना कि अब आना है, अब तो आप अंदर इन कर गए हैं, इन कर गए तो आधा इन करिएगा न गए हैं, अरे तो आधा इन कर गए, थोड़ा सा ही बाकी है, लेकिन पूछा नहीं तो क्या करे, तो हम तो अभी मन, अरे तो नहीं पूछा, देखिए आपके, नहीं 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 सुनिए सुनिए, आप जो कह रहे हैं उनका हम मतलब उस बात का हम जवाब दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमको नहीं पूछा, आपके घर में आए हुए हैं ना, आपके दरवाजे पे आए हुए हैं, तो आपको नहीं पूछे उससे मतलब कि क्या, आपके घर में आए हुए तो आपका क्या कर्तव्य बनता है कि जो आपके घर में आए हैं ना उनके पास आप खुद जाइए ना, जो पार्टी में है, यहाँ सांसद प्रतिनिधि है, यहाँ का जिला अध्यक्ष है इस पार्टी का लोजपा का, तो हम भी किसी पार्टी का जिला अध्यक्ष है तो हम प्रोटोकॉल नहीं तोड़ सकते हैं, ऐसे नहीं आ सकते हैं, लेकिन मैं अपना से प्रोटोकॉल तोड़ के आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि प्रधानमंत्री के लेके मैं आया हूँ, इन्हें चिराग पासवान के लिए आया हूँ, प्रधानमंत्री के लिए ही आए आए हैं, और ये नहीं है वोट देवे करूंगा, ये भी नहीं है, मतलब वोटर से कोई मतलब नहीं है, वोट देना है या ना देना उससे मतलब नहीं, लेकिन आप प्रधानमंत्री के लिए आए हैं, प्रधानमंत्री के लिए आए हैं, चिराग पासवान के लिए नहीं है, इनका का नाम है कि हम चिराग पासवान के लिए नहीं आए हैं, प्रधानमंत्री के लिए ही आए हैं, हम प्रधानमंत्री के लिए ही आए हैं, हम तो बोल रहे हैं आपको सामने बोल रहे हैं, दुनिया देखेगा आपके मीडिया चलाइएगा,
हम उनका रामदास पासवान के साथ से है। इनका का नाम है कि चिराग पासवान, मतलब कि इसे पार्टी में अभी आए हैं, अभी कदम डाले हैं, और मतलब उनके पिताजी मतलब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के ही अपेक्षा में आप आए हैं ना, उसी टाइम से है ना, उन्हीं से राजनीतिक में कूदे हैं। जो आए थे खगड़िया से झूड़ा टांग के, तो हम लोग साइकिल से घुमाए थे और साइकिल से ही चले थे उस भैया, जो साइकिल से जो पहली बार यहाँ आए थे। वो जब पहली बार रामविलास पासवान जी आए थे तो आप लोग साइकिल से उनका भरवन यात्रा किए थे, तब से उन्हीं के पार्टी में है। हम 20 में जनवादी पार्टी ज्वाइन किए, 2020 में। 20 में। अच्छा, ऐसा आपको क्या मजबूरी आ गया कि उस पार्टी छोड़ के आप निकल गए? देखिए, पहली बार बताए हैं कि वो तो थोड़ा हवा ही नेता है, जो कोई काम नहीं करेंगे, खाली आ जाएंगे लोग माला पहना देंगे, मंच पर चले जाएंगे तो लोग उसी को देखेंगे, ये आज वहाँ काम कर रहा है, जो जमीन पर काम कर रहा है उसको किसी ने पूछ रहे हैं? मतलब जमीन वाले मिट्टी से जुड़े हो उनसे, जो जमीन पर काम कर रहे हैं आप पार्टी के बरकस हो गए तो पूछे नहीं है, कौन है नहीं है, इसलिए सब ना खुश है, बहुत लोग ना खुश है, इसलिए इनको डर है हाजीपुर से कि हम हार जाएंगे, अंदर से डर बना हुआ है कि इस बार हाजीपुर से हार जाएंगे। तब तो ऐसा प्रोग्राम है, बस मोदी जी के नाम पर जीतेंगे। क्या कह रहे हैं चाचा? क्या बोल रहे हैं कि चिराग जी अगर जीतेंगे भी तो मोदी जी के नाम पे? देखिए, इनका का नाम है कि अगर चिराग पासवान जी अगर यहाँ से अगर जीत रहे हैं तो मोदी जी के ही नाम पे बीजेपी के नाम पे। वो अपना बल से इस बार नहीं निकल पाएंगे? मोदी जी हो सकते निकल सकते, मोदी इसी डर से मोदी जी को यहाँ बुलाया गया है क्या? इसी डर से क्यों बुलाएंगे उनको? नहीं नहीं, चिराग पासवान जी आप कह रहे हैं कि इस बार अपना अति से नहीं निकल सकते हैं, निकल जाएंगे? क्या काम कर किए हैं, काम तो, क्या किए? वो तो बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, हमेशा बोलते हैं कि हम हाजीपुर के लिए ये करेंगे, इंडस्ट्री ला रहे हैं, स्टील प्लांट ला रहे हैं। पासवान जी जो करके गए उनके बाद कौन किया? कोई नहीं। 40 साल में एक काम किए, 1996 में दिगौरा थे प्रधानमंत्री, ये थे रेल मंत्री, तो एक शिलान्यास हुआ जोनर कार्यालय का, उसके बाद 2006 में बना, उसके बाद कुछ बता दीजिए। तनिक रूप बना के सीपेट में बनाने से क्या होगा? हमारे बिहार में 40 गो लोकसभा सीट है, अगर 400 विधायक सांसद एक कारखाना खोल दे तो जानते हैं कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इनका भी तो कहना यही है कि से हाजीपुर में इंडस्ट्री लाएंगे। कौन लाए? चिराग पासवान बोल रहे हैं कि हमको लाएंगे। कब लाएंगे? हमको जिताइए बोलो, हम इंडस्ट्री लाएंगे, स्टील प्लांट ला रहे हैं। कब लाएंगे? जीतने के बाद तो सब लोग चला जाता है, मतलब हवा में वादा कर रहे हैं क्या? सब लोग वादा, भाई मोदी जी जितने के लिए जितना जुमला बोल दीजिए, जितना झूठ बोल दीजिए, राजनीतिक में झूठ बोला जाता है, जितना झूठ बोलिए उतना आगे बढ़िए, उतना आगे बढ़िए। अगर जहाँ काम के बात रहा तो दो मतलब सांसद रह चुका है, वो पिताजी का याद नहीं आए कि उनका क्षेत्र में जा कुछ काम करे? जमुई में क्यों लड़े? जमुई में कोई काम कराए? जमुई से क्यों भागे? इतना मत पूछिए, आप लोग मीडिया है तो बहुत तरह काम है, काम करके ही कोई खड़ा होता है, जीता जा सकता था इनके नाम पर। देखिए वहाँ दिखाइएगा, मतलब कि इनका का नाम है कि उन्हीं के नाम पे निकलेंगे। हाँ, अगर निकलेंगे तो उन्हीं के नाम पे। हाँ, मोदी जी के उस नाम पे नहीं निकल सकते। अगर अभी वोटर जो पलटेगा ना तो मोदी जी कहीं अगले पलटेगा, अगर न तो अभी तो सब सेटल है, सब सेटल है, सब सेटल। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी देखने आएंगे लोग, बस यही है, वोट कहाँ गिरेगा पता नहीं।